प्रो कबड्डी सीजन 9 की 7th मैच खेली जाने वाली है जयपुर पिंक पैंथर्स और पटना पायरेट्स के बीच में। इस वीडियो में हम पूरी तरह डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस अपकमिंग मैच को, जानेंगे हर एक प्लेयर की क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस टीम की क्या स्ट्रेटेजी होगी, दोनों टीम्स की मोस्ट प्रोबेबल स्टार्टिंग 7 क्या होगी, सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन शॉर्ट पूरी तरह डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस अपकमिंग मैच को। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के स्टार्टिंग 7 के बारे में। जयपुर पिंक पैंथर्स के सेंटर में होने वाले हैं अर्जुन देशवल, उनका साथ देने के लिए और दो रेडर्स होंगे वी अजित कुमार और राहुल चौधरी। कवर्स की बात करें तो राइट कवर पर होने वाले हैं सुनील कुमार और लेफ्ट कवर पर होने वाले हैं अभिषेक केएस। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पर होने वाले हैं शाहुल कुमार और लेफ्ट कॉर्नर पर होने वाले हैं अंकुश। नेक्स्ट हम बात करते हैं पटना पायरेट्स के बारे में। पटना पायरेट्स के सेंटर में अगेन इस टीम के सबसे मेन रीडर हमें दिखने वाले हैं, जो कि है सचिन तनवर, और उनका साथ देते हुए और दो रीडर्स होंगे राइट इन पे रोहित गुलिया और लेफ्ट इन पे विश्वास। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पर होने वाले इस टीम के कैप्टन नीरज कुमार और लेफ्ट कवर पर होने वाले हैं साजिन चंद्रशेखर। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पर होने वाले हैं सुनील और लेफ्ट कॉर्नर पर होने वाले हैं थियागराजन युवराज। प्रो कबड्डी में आज तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें जयपुर पिंक पैंथर्स और पटना पायरेट्स अब तक 16 बार भिड़ चुके हैं, जिसमें से 7 बार जयपुर पिंक पैंथर्स जीते हैं और 9 बार पटना पायरेट्स जीते हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स के पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि अर्जुन देशवाल किस तरह से पॉइंट स्कोर कर रहे थे, वो अपनी फॉर्म में काफी अच्छे से खेल रहे थे, टोटल 8 पॉइंट्स कमाए थे उन्होंने पिछले मैच में। वेयर एज राहुल चौधरी की बात करें तो वो अब भी अपने पुराने फॉर्म को पकड़ नहीं पाए हैं। लास्ट मैच में उन्होंने 8 रेड्स किए जिसमें से सिर्फ 1 पॉइंट उन्होंने कमाया, बट डोंट वरी, इस बार भी अब वो हमें स्टार्टिंग 7 में दिखने वाले हैं। इतनी जल्दी वो राहुल चौधरी को बेंच पर बिठाने की गलती नहीं कर सकते और एक दो मैच उन्हें चांस मिलेगा। उसके बावजूद भी अगर पॉइंट्स वो स्कोर नहीं कर पाए तो मोस्ट प्रोबेबली भवानी राजपूत आ जाएंगे उनकी जगह पे खेलने के लिए। लास्ट मैच में वी अजित कुमार का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा था, उन्होंने 4 पॉइंट्स कमाए थे। डिफेंस में लेफ्ट कवर का प्रदर्शन सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रहा, अभिषेक केएस ने पूरे मैच में 4 पॉइंट्स कमाए जो कि काफी अच्छा स्कोर है। लेफ्ट कॉर्नर पर खेलने वाले अंकुश का भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था पिछले मैच में, ये सीजन काफी हद तक एक यंगस्टर्स का सीजन लग रहा है। पटना पायरेट्स की बात करें तो पटना पायरेट्स के रेडिंग डिपार्टमेंट में सचिन तनवर और रोहित गुलिया काफी अच्छे से चल रहे हैं। लास्ट मैच में हमने देखा था कि कैसे सचिन तनवर और रोहित गुलिया क्रूशल मोमेंट्स पे पॉइंट लेकर आ रहे थे। अब जब हम पटना पायरेट्स की बात कर ही रहे तो मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों के मन में क्या सवाल होगा, लेफ्ट कॉर्नर पर खेलने के लिए मोहम्मद रेजा चियाने शादलू क्यों नहीं है? तो यार कहानी तो फिलहाल यही है कि जितने भी ईरानियन प्लेयर्स हमारे प्रो कबड्डी लीग में थे उन सबको वापस ईरान जाना पड़ा बिकॉज ऑफ वीजा इशू। अब मैं नहीं जानता कि ये इशू कब तक सॉल्व होगा, लेट्स होप कि ये इशू जल्दी सॉल्व हो और सारे ईरानियन प्लेयर्स फिर एक बार इंडिया आजकल प्रो कबड्डी लीग में हमें दिखाई दे। वैसे उनकी गैर मौजूदगी होने के बावजूद भी डिफेंस काफी अच्छा खेला, राइट कॉर्नर पर सुनील ने 3 पॉइंट्स कमाए, वेरस लेफ्ट कॉर्नर पर थियागराजन युवराज ने भी 3 पॉइंट्स कमाए। कवर्स पर नीरज कुमार ने 2 पॉइंट्स और साजिन चंद्रशेखर ने भी 2 पॉइंट्स। ये एकदम अच्छा स्कोर तो नहीं है लेकिन काफी बुरा स्कोर भी नहीं है, काफी हद तक बैलेंस डिफेंस लग रहा था ये। तो अब बस जरा सोचिए कि जब मोहम्मद रेजा शादलू इस टीम में वापस आ जाएंगे तब तो ये डिफेंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पटना पायरेट्स की जादू जर्सी का जादू फिर एक बार चल चुका है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हर एक प्लेयर का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था। वेरस जयपुर पिंक पैंथर्स को शायद सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगे, जहां तक मेरी समझ है कि जयपुर पिंक पैंथर्स ट्रायल्स कर रहे हैं कि कौन सा प्लेयर बेस्ट खेल सकता है अपनी पोजिशन पे, एंड दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस जो हर एक टीम सीजन के शुरुआत में करती है। अच्छा वैसे कई लोग मुझे कहते हैं कि फैंटेसी गेमिंग में टीम प्रेडिक्शन करने के लिए आप मुझे टीम बताइए। अब देखो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी और मैंने टेलीग्राम पे एक ऐसा चैनल ढूंढ निकाला है जो आपके फैंटेसी गेमिंग के लिए आपको रोज टीम देता रहेगा। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। इस होने वाली भिड़ंत से पहले प्रो कबड्डी सीजन 9 में जयपुर पिंक पैंथर्स अब तक एक ही मैच खेल चुके हैं और वो मैच वो हार गए थे। वेरस पटना पायरेट्स भी एक मैच खेल चुके हैं प्रो कबड्डी सीजन 9 में और वो मुकाबला टाई पे खत्म हुआ था, यानी दोनों ही टीम्स अपनी पहली जीत की तलाश में ये मैच खेलने वाली है। तो अब तक हमने जितना भी स्टैट्स नंबर्स और डेटा जिसे जाना और परखा उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करने जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में जीत होने वाली है पटना पायरेट्स की। लेकिन माइंडेड राहुल चौधरी अगर अपनी फॉर्म को पकड़ ले तो कहानी बदल सकती है। वो राहुल चौधरी जो हमें नेशनल गेम्स में दिखे थे, अगर वो वाले राहुल चौधरी हमें इस मैच में दिखाई दे तो कहानी डेफिनेटली बदल सकती है। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी।
सो गाइस ये था पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो इस अपकमिंग मैच का। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, साथ ही में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी सीजन 19 एनालिसिस सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।